विदेशी मुगल आक्रमणकारियों को अपना पूर्वज बताने के अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने करारा हमला बोला है। वसीम ने कहा कि ओवैसी भाइयों ने बता दिया कि वो मुगलों की औलाद हैं। मुगल विदेशी लुटेरे थे, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई। ओवैसी के बाप ने अपनी लैला के लिए ताजमहल बनवाया। हिंदुस्तानी इतिहास केवल 800 साल पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यूपी सरकार 27 जनवरी से राज्य में गंगा यात्रा की शुरुआत कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ 27 जनवरी को यूपी के बिजनौर से गंगा यात्रा करेंगे। बिजनौर से कानपुर तक गंगा यात्रा 31 जनवरी तक चलेगी और इस यात्रा के साथ यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा चलेंगे। वहीं 27 जनवरी से एक और गंगा यात्रा यूपी के बलिया से शुरू होगी जो कानपुर तक जाएगी। CAA के विरोध के नाम पर उत्तराखंड में हंगामे की कोशिशों पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने सख्त बयान जारी किया है। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि मुझे फीडबैक मिला है कि यहां पर जामिया मिलिया और कश्मीर से कुछ लोग आए हैं। यदि कोई लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करता है तो वो उसका अधिकार है, लेकिन बाहर के लोग अगर यहां आकर उकसाने का काम करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर आज से 26 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अवध शिल्पग्राम में होने वाले समारोह में लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से MSME एक जनपद एक उत्पाद योजना में अच्छा काम करने वाले व्यापारियों और खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। आज प्रयागराज में माघ मेला और मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु पवित्र संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। माघ मेले के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मेले में 5 किलोमीटर के दायरे में 6 स्नान घाट बनाए गए हैं, साथ ही सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। मेला प्रशासन को मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर 2,25,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में फंसे सांसद आजम खान के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई में पेश न होने पर आजम और उनके परिवार के खिलाफ शहर में मुनादी हो चुकी है। अब देखना होगा कि मुनादी के बाद भी आजम स्पेशल ADJ कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचते हैं या नहीं। SP सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 26 किसानों को जमीन पर कब्जा दिला दिया गया है। उप जिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी राजस्व टीम के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचे और पैमाइश कराकर किसानों को कब्जा दिला दिया। इन जमीनों पर कब्जा करने के आरोप में किसानों ने आजम खान पर मुकदमे भी कराए थे और प्रशासन ने आजम को भू माफिया घोषित कर दिया था। रायबरेली में CAA और NRC को लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने बलपूर्वक बाहर खदेड़ दिया। पुलिस ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पहुंचने से पहले धरना दे रही महिलाओं को हटाया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने कहा कि धरना समाप्त कर दिया गया है और साथ ही सभी को चेतावनी भी दी गई है कि किसी भी हालात में कानून व्यवस्था को खराब करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील भी की। नोएडा में कमिश्नर की नियुक्ति के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने मौके से लूट की कार समेत अवैध असलहे बरामद किए हैं। बदमाशों ने 22 जनवरी को एक्सप्रेसवे पर कैब चालक से स्विफ्ट डिजायर कार को लूट लिया था। पुलिस अब बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगालने की कोशिश में जुटी है। बरेली में मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर भागे इंटरमीडिएट के छात्र को GRP ने गिरफ्तार कर लिया। छात्र 1,500 रुपये प्रैक्टिकल की फीस जमा करने के लिए मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कह रहा है। GRP ने मंदिर से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण, करीब 62,000 नगद, 1 रिवॉल्वर, 1 चाकू, 4 मोबाइल छात्र के कब्जे से बरामद किए हैं।